फ्रेंड टेकरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्राउन और व्हील पिनियन सेट करने के बारे में बताएंगे कि ये कैसे सेट होता है। तो आइए चलते हैं। पहले इसमें हम लोग यहाँ पर पिनियन में बैरिंग लगाते हैं, तो बैरिंग कैसे ठोकते हैं इसके बारे में देखते हैं, उसके बाद उसको सेट किया जाएगा वो भी दिखाएंगे आपको। इसमें पहले वाशर लगा लेते हैं, ये जो वाशर है नीचे की तरफ से चाहिए, उसके बाद ये बैरिंग को ठोक देते हैं। ये तो अक्सर लेथ पे ही काम होता है, लेकिन ये बैरिंग सेफ निकालना था इसीलिए यहाँ पर किया जा रहा है। हाँ, ये हमारे मिस्त्री है, इनके हाथों में बहुत कला रहता है, ये लेथ का भी काम यहीं पर कर देते हैं। तो देखो मिस्त्री साहब इधर, ये जो आपको गैपिंग दिख रहा है ये गैपिंग पूरा चिपक जाएगा बैरिंग टूटने के बाद। देखिए एकदम चिपकने वाला है। खड़ा ना लगी ना, खड़ा छोटे ना तोरे उंगली अपना लगी। देखिए ये बैरिंग एकदम पूरा चिपक गया, उसे निकाले था ये। इसे आपको लेथ मशीन पे इसको प्रेस से वो करवाना पड़ेगा। आप लोग अपने हाथ से कला में सिखाने लगेगा क्योंकि उस तरह बैरिंग टूट जाएगा। हमारे मिस्त्री तो कलाकार है इसलिए ये कर देते हैं। ये पुराना वाला जो है आपका विंडो, ये क्रेक टूट गया है इसलिए नया इसमें सेट होगा। देखिए आइए देखते हैं कैसे सेट करते हैं हमारे लकीन साहब। देखिए पहले इसको ऐसे पलट के रख लेते हैं, उसके बाद जो होल है सेम साइज में इसको होल को मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसमें बोल्ट टाइट करते हैं। सोलह नंबर का बोल्ट है, नोट हो लगा रहता है, और उसके बाद से फंसाने के बाद इसको 16 नंबर की गोटी से हम लोग टाइट कर लेते हैं, चाहे रिंच से टाइट कर लेते हैं, जैसे आपके पास जो चीज़ सुविधा होती है उस हिसाब से टाइट कर सकते हैं। तो इसको मैकेनिकल भाषा में क्राउन विथ पिनियन बोलते हैं, लेकिन मैकेनिक लोग इसको बोलते हैं आम भाषा में थाली। तो आप खाने वाला थाली मत समझ लीजिएगा, ये आपका क्राउन विथ पिनियन है। ये टाटा एस HT गाड़ी में लगा हुआ है। देखिए ये पूरा बोल्ट अब टाइट हो चुका है, ये आपस में फिट हो गया है। आप डिफरेंशियल केस में कैसे इसको फिट करते हैं आइए देखते हैं। पहले उसमें आपका जो है टेल पिनियन जो है फिट कर लेते हैं। इसको फिट करने के बाद इसमें चक नट जो होता है इसको टाइट करते हैं। देखिए ये पिनियन सॉकेट है, इसको डालने के बाद इसमें आपका एक IC लगता है। ये वाशर और बैरिंग लगाने के बाद पहले आपका ये बैरिंग लगेगा, बैरिंग लगने के बाद इसमें वाशर जाएगा। अंदर से देख लेना चाहिए कहाँ सही फिट हो रहा है कि नहीं। इस बैरिंग को हल्का हल्का ठोक कर बैठा लेना चाहिए। बैरिंग एक साइड से कभी नहीं ठोकना चाहिए, एक तरफ ठोक के फिर दूसरे तरफ ठोकना चाहिए, जिससे बराबर वायरिंग जाके फिट होता जाए। ये वाशर लग गया है, अब इसमें जो है
ये लगाने के बाद आईसील आईसील को बढ़िया इसमें फिट कर देंगे, इसके बाद उसके बाद से ये लगा कर टाइट कर दिया जाएगा। तो पहले हम लोग इसको थाली को सेट कर लेते हैं टेल को जिसको, उसके बाद से इसको लास्ट में करा जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा और इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। इसके रिलेटेड कोई भी आपका क्यूरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ठोका आप रहा भाई फिर बैरिंग ठोक।